नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने 2 दिन की वैष्णो यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कटरा से 14 किलोमीटर पैदल चलकर माता के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए जय माता दी के नारे भी लगाए। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सबके होश उड़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने प्रेस के मित्रों तो कह दिया है, लेकिन ये लोग हमारे मित्रों का काम नहीं करते हैं, केवल उनके मित्रों का ही काम करते हैं। ना कि उन्होंने साफ तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से साफ पता चलता है। राहुल गांधी ने लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती जैसी देवियों का सहारा लेते हुए कांग्रेस द्वारा मनरेगा लागू करना और GDP ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी लाना जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने सीधे तौर पर BJP पर वार करते हुए कहा कि जो वैष्णो देवी जाकर मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते। राहुल के इस बयान के बाद BJP ने भी उन पर हमला करते हुए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी होगी। अब देखना ये होगा कि BJP और कांग्रेस की ये तकरार आखिर क्या नया मोड़ लेती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।